अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गर्मियों में बर्ड्स को क्या यूज़ करवाना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आपको कम अल्फाज में अच्छी बात समझा सकूं। यहां पर हम चार पॉइंट लेंगे, ठीक है। चार पॉइंट को समझने के बाद उस पर इंशाल्लाह अमल करेंगे, हमें रिजल्ट भी मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको हर एक चारों पॉइंट समझ आ जाए। तीसरा और चौथा पॉइंट बहुत ही यूज़फुल है और उसका बेनिफिट भी अच्छा है, तो आखिर तक वीडियो को देखिएगा। अच्छा, जो पहला पॉइंट है वो ये है, सबसे पहले तो आप विटामिन बंद कर दें ताकि जो गर्मियों में जितना भी उनको साइड इफ़ेक्ट्स होगा विटामिन की वजह से, तो वो उससे विटामिन से साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, ठीक है। क्योंकि विटामिन ऐसी चीज़ है कि बर्ड्स को हीट पे लाता है, हीट पे लाने के बाद जाहिर सी बात है बर्ड्स जो है मुंह खोल के सांस लेगा और उसमें जो है फंगल्स जो हैं उनके जिस्म में पैदा होते जाएंगे। तो कोशिश करें विटामिन बंद कर दें, ठीक है, विटामिन बंद कर दें। आप प्रोबायोटिक चला सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट चला सकते हैं। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, और इसी तरीके की अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक मालूमात आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। सो फूड में क्या देना चाहिए, सो फूड में कोशिश करें कि गीला दाना कम दें क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं। सब्जियों की मकदार ज़्यादा कर दें, चाहे वो गाजर हो, लौकी हो या चुकंदर हो। खीरा भी आप चला सकते हैं, खीरा जो आप क्रश वगैरह करते हैं तो उसमें पानी जो है खीरा पानी छोड़ता है, तो कोशिश करें साबुत ही खीरा रख दें, कोई इसका मसला नहीं है, ताकि सब्जियों की वजह से बर्ड्स को पूरे इलेक्ट्रोलाइट मिल सके। और कोशिश करें ठंडी सब्ज़ी चलाएं, ना कि पालक चलाएं, ना मेथी चलाएं, ठीक है। और बंद गोभी का थोड़ा कम इस्तेमाल करें, चुकंदर, गाजर और जो है लौकी उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, पानी का आप कोशिश करें कि बर्ड्स को पानी ज़्यादा से ज़्यादा दें, ठीक है। यानी जो आप आम दिनों में सर्दियों में ब्रीडिंग सीज़न में पानी जो आधी डब्बी या आधा पोट भर के देते हैं आप, तो कोशिश करें आधा पोट ना दें, पूरा पोट दें। और हो सके तो उनके लिए एक कोई भी बड़ा बर्तन लें, बड़ा बर्तन लेने के बाद उस पानी को भरें और उसके केजेस में रखें ताकि बर्ड्स को जब भी ज़रूरत हो उसको महसूस हो कि मुझे नहाना चाहिए। क्योंकि आप अक्सर देखेंगे बर्ड्स गर्मियों में ज़्यादा नहाते हैं, तो कोशिश करें बड़े बर्तन में उनको पानी वगैरह दें। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइट का ज़रूर इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रोलाइट आप कोई भी चला सकते हैं अच्छी कंपनी में, ठीक है। और ना मिले तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको कार को करा दिया जाएगा। तो कोशिश करें इलेक्ट्रोलाइट अच्छे से अच्छा चलाएं। इलेक्ट्रोलाइट जो चलाने का तरीका है वो सुबह में चलाएं, ठीक है, शाम में इलेक्ट्रोलाइट ना चलाएं। सुबह में चलाएंगे तो इसका जो असर है वो पूरे दिन ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके।